हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ऑल सी ट्राइब एटीएस ऑटोमेशन की सबसे हैवी ड्यूटी एंड ड्यूरेबल गैस काउंटिंग मशीन है, जो कि सेमी वैल्यू फीचर के साथ और फोर टाइप ऑफ फेक नोट डिटेक्शन सेंसर के साथ आती है, यूवी एमजी आईआर एमटी। यूवी एमजी आपका हर नोटों में होता है पुराने नए सब में, और आईआर एमटी नए नोटों के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो इसमें आपको सारे तरह की काउंटिंग हो जाएगी, करेंसी मोड मिल जाएगा यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीज, डैश का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनुअल ऑटोमेटिक काउंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेमी वैल्यू का फीचर, स्टार्ट प्लस वॉइस का फीचर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो स्पीकिंग में भी मशीन बताएगी। तो अभी सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने 50 नोट लिए 100 के, ये पीसेस में काउंट करती है तो 50 पीसेस में ही बताएगी। ठीक है, और ये हमारे पास 20 नोट है 100 के, 100 नोट है 20 के, इस तरीके से आपका 100 काउंट करके बता दिया। नकली नोट कैसे डिटेक्ट करेगी उसके लिए, ये देखिए मैंने 20 का एक खराब नोट लिया है, बंडल में कहीं पे भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसको इंसर्ट करते हैं, जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी और देखते हैं किस तरीके से डिटेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्क्रीन का कलर बदल गया। ठीक है, अलार्म आ रहा है, एरर कोड आ रहा है, मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। ठीक है, इससे इंडिकेट होता है कि मशीन में नकली नोट आया। साथ में अगर वॉइस फीचर ऑन रखते तो बोल के भी बताती। अभी हम इसको निकाल लेंगे नकली नोट, जो स्टिकर में लास्ट होगा बाहर करेंगे, काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये मशीन नकली नोट को भी गिनती में लेती है, तो इससे एक बता रहा है क्या है कि बिल काउंटर है, बिल काउंटर में से जितने भी पीसेस आएंगे उनको रोकेगी, मिक्स वैल्यू काउंटर मशीन नहीं रोकती, गिनती में नहीं लेती नकली नोट को। ठीक है, जब भी नकली नोट आए निकालने के बाद अभी चेक करें तो आपको श्योर हो जाएगा कि रियल नोट कितने हैं, तो अभी 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नकली नोट हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग एंड फेक नोट डिटेक्शन। अब आते हैं बैज देखते हैं, बैज कैसे बनेगा। बैज बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैज प्रेस करेंगे तो 100 का यहाँ आप देखेंगे बैज आ रहा है। ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं, 100 का बैच आ रहा है क्योंकि 100 की कैटरी डिफॉल्ट बनती है। यहाँ 200 नोट ऊपर में आ जाते हैं आपके। ठीक है, 200 नोट तक ऊपर में आ जाता है, तो 200-250 नोट आप यहाँ डालेंगे तो 100 नोट के पैकेट आप बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास 100 ही नोट है, हम मान लीजिए 50 का पैकेट बना लेते हैं, 50 प्लस करेंगे 50 का पैकेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप 50 का बैच बन गया। अब मैं ये 100 नोट इंसर्ट कर रहा हूँ, 50 काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी क्योंकि मैंने 50 का बैच प्रेस किया हुआ है, तो 50 पे रुक गई, ये बैच हटाऊंगा तो अगले 50 काउंट करेगी। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। ठीक है, आप जितनी मर्जी का 25 का 30 का नंबर से डायरेक्ट बना सकते हैं। अब बैच को करते हैं क्लोज, 0 पे आते ही बैच क्लोज हो जाएगा, ऐड एक्टिवेट किया, ऐड में क्या है आपका लगातार सम होता जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं डालूंगा नोट तो 100 काउंट करके दिखाएगा। ठीक, अभी इसी नोटों को दोबारा डाल देता हूँ दिखाने के लिए, बाकी एक से एक टॉप गिनने के बाद जो भी गिनती होगी एक से एक से शुरू हो जाएगा। ठीक है, लगातार मतलब सम होता जाएगा, एक बार और डालते हैं तो 300 हो जाएगा। इस तरीके से आप लगातार काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर, मैनुअल और ऑटोमेटिक। अभी तक आप देख रहे थे मैं नोट डाल रहा था, काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही थी। ठीक है, अगर आपको मैनुअली काउंट करना है, नए यूजर नोट रखने का प्रॉपर तरीका नहीं मालूम है, तो आप मैनुअल प्रेस कर दें और आराम से नोट अपने सहूलियत के हिसाब से रख लें, उसके बाद जेड की से आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं वैल्यू का फीचर, सेमी वैल्यू का फीचर देखने के लिए सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे आपका मैनुअल भी क्लोज करते हैं, ऐड भी क्लोज कर देते हैं। वैल्यू पे आते हैं, वैल्यू में देखिए आप 2 की वैल्यू आ जाएगी, 2000 की, फिर 1 के, 500, हमारे नोट कितने हैं, कितने के हैं, 20 के, तो 20 के हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब मैं नोट इंसर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर देगा, 100 नोट है तो 2000 वैल्यू आ जाएगी 20 के हिसाब से। ठीक है, एंड अभी 500 की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, 100 के नोट है हमारे पास। ठीक है, 100 सेलेक्ट किए, 50 नोट है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 5000 रुपए। ठीक, इस तरीके से वैल्यू चूज कर सकते हैं। वॉइस अगर ऑन करनी हो तो आप वॉइस ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट प्लस वॉइस को होल्ड करके रखना 2 सेकंड, तो वॉइस ओपन हो जाएगी। आप जो भी आप करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा, नकली नोट पकड़ेगी चाहे आपका टोटल पीसीस हो, वो आपको बोल के बताएगी मुझे। ठीक, इस तरीके से आपका स्पीकिंग फीचर ऑन हो जाता है। फेक नोट के लिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे नकली नोट को डिटेक्ट करती है। पहले मैं आपको इसको वैल्यू क्लोज कर देता हूँ, वैल्यू प्रेस करके रखेंगे तो वैल्यू क्लोज हो जाएगी। अब देखिए नकली नोट आने पर कैसे मशीन बोलेगी। ठीक, इस तरीके से बोल के भी आपको इंडिकेट करेगी, ये आपका नकली नोट है, साइड करेंगे काउंटिंग पूरा। ठीक, ये चेक करेंगे तो 100 पीसेस आ जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मशीन खरीदने के लिए आप सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट एटीएस ऑटोमेशन से भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं एटीएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।